हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? हमारी मॉर्निंग क्लास का टाइम, जो जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, मॉर्निंग क्लास का टाइम 11 से 12 और मॉर्निंग क्लास में हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 रहेगा और इवनिंग क्लास में जो है हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया है, जहाँ पर DI की कैलकुलेशन आपकी चल रही है। ठीक है, क्लासेज हमारी जो है इस टाइम से लेट हो रही हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम इस टाइम फ्रेम में जो है सेट हो जाएंगे और प्रॉपर एक पूरा पैकेज के साथ अपन मिलने वाले हैं। पूरा जो है सारी क्लासेज बैक टू बैक आपको मिल जाएँ इस तरीके से। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए कल की जो है अभी SBI PO के लिए, क्योंकि जो है ये प्लान है कि SBI PO जो है पहले, सबसे पहले आपका होना चाहिए। तो और वहाँ पे ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो है वैकेंसी भी जो है वहाँ पे। तो ऐसे में जो है काफ़ी बच्चों ने कहा SBI PO का जो तैयारी शुरू करवा दीजिए। तो अभी तक अपन जो लेके चले थे, जैसे मॉर्निंग में बेसिक क्लास का, इवनिंग में रिवर्स ऑर्डर में हम चल रहे थे कि अपन कहीं ना कहीं जो है, जो बच्चा जहाँ से भी तैयारी करना चाहे, वो मॉर्निंग से करना चाहे यानी बेसिक से करना चाहे या लेटर टॉपिक से स्टार्ट करना चाहे, वो किसी भी तरीके से वो कर पाए। तो यहाँ पे अभी प्लान ये है कि हम जो है, जो क्लासेज आपके दिन भर में चल रही हैं, उन क्लासेज को एक रूटीन में एक टाइम पे लाया जा सके, ठीक है, बैचेज की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग चल रही है और जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो अपन बहुत ही जल्दी जो है उसको कर लेंगे और वैसे भी चीज़ें अभी धीरे धीरे सुधर रही हैं। तो हमें लगता है कि जो है, मतलब जुलाई में, मैंने आपको बताया था SBI एसोसिएट वाला और RBI असिस्टेंट मेंस वाला एग्जाम जो है आपका जुलाई में होना चाहिए। अगस्त में आपका SBI PO होने के चांसेज हैं, ठीक है, और ये पूरे चांसेज हैं क्योंकि बैंकिंग में जो लोग बैंकर्स हैं वो जॉब पे अभी जा रहे हैं, कोई भी ऑफ किसी को नहीं मिला है। जो लोग बाई चांस जो है वो अपने सिटी से, मतलब जहाँ भी पोस्टिंग है उससे घर आए हुए थे, वो लोग नहीं कर जो है पहुँच पाए, बाकी सब लोग वर्किंग हैं। तो देखो, बैंकिंग फील्ड जो है वैसे भी एसेंशियल फील्ड की तरह कन्वर्ट हो गया है और बहुत ही जल्द हो सकता है इसमें कोई जो है आपका नया कानून आए। तो ये मान लें कि आपका बैंकिंग के एग्जाम तो होंगे ही होंगे, बाकी एग्जाम हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम समय पर होने वाले हैं। तो कल की क्लास में क्या किया था, सबसे पहले हमने टेबल्स लिखा था, तो आज भी सबसे पहले वही करेंगे हम। टेबल्स जो है, और कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कल आया था कि जो है रेड कलर इस्तेमाल नहीं करें इस पर। तो जो है टेबल्स जो है हमने लिखे थे, आज आपको 6 से 25 तक टेबल लिखनी है, 6 to 25। ठीक है, सबसे पहले टेबल से शुरुआत करते हैं और टेबल्स जो है 6 से 25 तक आप लिखेंगे। मैं स्टार्ट बोलूँगा, स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते रुक जाएंगे। रेडी एवरीवन, पेज निकाल लीजिए, ब्लैंक पेज। ओके, स्टार्ट। 6 to 25, 6 से 25 तक पहाड़े लिखने हैं, 2 मिनट में 6 से 25 तक पहाड़े लिखने हैं। वन मिनट ओवर, जितना तेजी से लिख सकते हैं लिखेगा। लास्ट 30 सेकेंड्स, फास्ट लिखे, रुकना नहीं है, जहाँ पे जो है अगर भूल जाए तो रुकना नहीं है, फास्ट लिखना है। अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए 25 तक पहुँचने के। 6 से 25 तक पहाड़े लिखने हैं जो बाद में जोड़ रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, फास्ट। ओके, स्टॉप। बता दीजिए कितने लोगों ने लिखा 6 से 25 तक टेबल, कितने लोगों ने लिखा, जल्दी से बता दीजिए। ओके, गुड। चलिए, कल हमने जो है सिंप्लीफिकेशन शुरुआत कर दी थी आखिर,
और मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन को मैंने कहा धीरे धीरे मैं सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, सरलीकरण। मॉर्निंग में हम बेसिक से हमने शुरुआत कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन जो है उसमें मैंने आपको बताया था पहले हमने बेसिक कैलकुलेशन पे थे और बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू जो है हम किधर ट्रांसफ़र हो गए, सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम आ गए हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में हमने आप जो डिस्कस किया था लास्ट में वो हमने वी बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन किए थे, वी बोर्ड मास मिक्स फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आपको ये पता है कि सिंप्लीफिकेशन में जो है एक पार्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वी बोर्ड मास हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, जैसे परसेंटेज से जो है आपका फ्रैक्शन प्लस में अप्रोक्सीमेशन के जो है एप्लीकेशंस होती हैं। तो जो लोग देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा इवनिंग क्लास में क्लास दो क्लासेज में मैंने परसेंटेज के फ्रैक्शनल टेबल डिस्कस की है और अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे बताए, मैंने ट्रिक्स बताई हैं, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने इवनिंग में जो डिस्कस किया है वो डीआई पर्पज़ के लिए किया है। आप वो जो इवनिंग वाला जो पार्ट है वो आप मॉर्निंग में आपका सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, इवनिंग में डीआई में काम आएगा। तो मैं जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लें, मैं यहाँ पे मॉर्निंग वाले स्लॉट में वो कवर नहीं करूँगा, ठीक है। फिर जो है आपका जो है देखिए वी बोर्ड मास है, मिक्स फ्रैक्शन है, अप्रोक्सीमेशन है, देन अब आगे अपन बढ़े। देखिए अब क्वेश्चन जो है वो लगातार वो रिपीट हो रहे थे पुराने टाइप के, तो अब हमें कोई नया टॉपिक उसमें ऐड करना पड़ेगा और वो नया टॉपिक है आपका इंडाइसिस, जो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, घातांक। अब देखो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और कुछ आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप लोग कहते हो जब सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कई बार जो है नेगेटिव पावर होती है, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये सब मैं आज की क्लास में जो है डिस्कस करने वाला हूँ। फिर इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप अगर ध्यान से इसे अटेंड करेंगे, अगर इस क्लास को ध्यान से अटेंड करेंगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जरा सी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप पहले रूल्स को आप ध्यान से समझें, मैं एक एक रूल को डिटेल में बताऊंगा, एग्जांपल्स के साथ में बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, लास्ट में आपको पता है पीओडी टेस्ट आपका होना है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ इंडाइसिस, आप लोग ध्यान से सुनिएगा भाई, इंडाइसिस घातांक। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आ गई है तो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम इस टॉपिक में आती है इंडाइसिस, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ पे आपको जो है दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पे रूल डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन, रूल नंबर वन, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है, ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा भी नंबर हो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एक नंबर है 153254216, ये नंबर है और मैंने इसकी पावर लगा दी जीरो, तो बताओ वैल्यू क्या होगी इसकी, वन हो जाएगी। किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होती है, सिंपल पहला रूल याद रहेगा सबको, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास वैल्यू है माइनस का फोर की पावर जीरो, तो माइनस के फोर की पावर जीरो जो है नेगेटिव वैल्यू है उसकी पावर जीरो, माइनस के फोर की पावर जीरो जो है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन पूछ रहा हूँ, या तो प्लस वन या माइनस वन, आप बताओ कौन सा होगा। माइनस के मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हो, आपको सिर्फ ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है वो आपको बैंक में ही नहीं, देखो बैंक में तो काम आता ही है, बैंक की कैलकुलेशन जो है उसमें तो काम आता ही आता है, इसके अलावा SSC के एग्जाम जितने भी होते हैं उन सब में भी काम आता है। इसके अलावा आप जो है ये अदर टॉपिक पटवार का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी XYZ एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आता है, कैलकुलेशन आती है, उसमें काम आता है। तो किसी भी नंबर की पावर जीरो, ठीक है, मैंने दो ऑप्शन लिखे, प्लस का वन और माइनस का वन, कौन सा आएगा, प्लस का वन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। माइनस हो चाहे प्लस हो, कुछ भी हो, पावर जीरो का मतलब यहाँ पे जो है वैल्यू वन हो जाएगी। पहली बात, पहला रूल बताया मैंने, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, जो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में पढ़ रहे हैं प्लीज़ लिंक को शेयर कर दें, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में उतना ज़्यादा हमें मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग रिप्लाई करेंगे यहाँ पे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते रहिए और बात भी करते रहिए, ठीक है, बताते रहिए अपने फीडबैक, और जो है वीडियो देखने के बाद लास्ट में जो है लाइक करना और जो है कमेंट करना नहीं भूलें। अपने जो फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। अभी आप जो लिख रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिखते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है, अपने फीडबैक। तो मैं रेगुलरली क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो उस टाइम पर मैं देखूंगा इनको, ठीक है, तो मैं उसी वक्त आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा रूल है यहाँ पे, मैं कहता हूँ a की पावर m इंटू ए की पावर n, ध्यान से समझिए, a पावर m इंटू ए पावर n, तो a पावर m इंटू ए पावर n होता है a पावर m प्लस n होता भाई। किसी भी जो दो दो नंबर है, जो कोई भी दो नंबर है, a पावर m
ए पावर एन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करो जिनके बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती हैं, अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ए पावर एम इंटू ए पावर एन, तो ए पावर एम प्लस एन, 2 पावर 2 गुना में 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। देखो यहाँ ए पावर एम, ए पावर एन, ए पावर पी, ए पावर एम, ए पावर एन, ए पावर पी, ए पावर एम प्लस एन प्लस पी, अगर एक से ज़्यादा नंबर हुए भाई कितने भी हो सकते हैं, ए पावर एम, ए पावर एन, ए पावर पी, क्या हो जाएगा, ए पावर एम प्लस एन प्लस पी। देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ तो अभी मैंने कहा कि 2 की पावर 2 2 की पावर 3 है, तो ये प्लस हो गया 2 की पावर 5, ए पावर एम प्लस एन हो गया। अगर 2 की पावर 5 है तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 2 की पावर 3, जिनका टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखा है कहीं पे ए पावर एम प्लस एन लिखा है तो इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, ए पावर एम इंटू ए पावर एन, जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन में इसको आप सेपरेट कर सकते हो, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान रहे जो उसका जो हर एक एप्लीकेशन आपको समझना है। रूल नंबर 2 था भाई, रूल नंबर 3 देख लो आप यहाँ पे, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन, तो ये हो जाएगा ए पावर एम माइनस एन। रूल्स को ध्यान से समझ लेना, बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, आप ये मान के चलें इस टॉपिक के, मतलब ये वाले के जो है अपन कम से मोर देन 50 क्वेश्चन तो अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आप मजा आएगा आपको सोल्व करने में, ठीक है। ए पावर एम, ए पावर एन डिवाइड किया ए पावर एम माइनस एन, जैसे मैं 2 की पावर 5 है उसमें 2 की पावर 2 का भाग दूंगा तो 2 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, बिल्कुल 2 की पावर 3, ठीक है। ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन क्या हो जाएगा, ए पावर एम माइनस एन हो जाएगा। मैंने 3 रूल बताए, कौन से रिवाइज करो, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ए पावर एम प्लस एन होता है, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन अगर बेस सेम है डिविजन में होता है तो पावर माइनस हो जाती है। रूल नंबर 4 देखो, थोड़ा डिफरेंट, ए पावर एम इंटू बी पावर एम, इस बार बेस डिफरेंट है, पिछली बार जो है बेस सेम था, इस बार जब बेस डिफरेंट है पावर सेम है, पहले क्या था बेस सेम था पावर डिफरेंट थी, तो यहाँ पे ए पावर एम इंटू बी पावर एम, तो अगर ऐसे में बेस डिफरेंट है तो ए बी की पावर एम हो जाएगा, ए पावर एम इंटू बी पावर एम क्या हो जाएगा, ए बी की पावर एम, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 6 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 6 की पावर 3, समझ आता है, ए पावर एम इंटू ए पावर एम, ए पावर एम इंटू बी पावर एम, ए बी पावर एम, 2 पावर 3 गुना में 3 पावर 3 6 की पावर 3 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे मान लो ये है 15 की पावर 2 है, तो वापस स्प्लिट कर सकते हो 3 गुना 5 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है। आप जो है दोनों ही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ए पावर एम इंटू बी पावर एम क्या होगा, ए बी की पावर एम, तो 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3, ठीक है। ये कलर विजिबल है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब बताते रहें साथ साथ में, कमेंट करते रहें भाई, ठीक है। 15 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। नेक्स्ट, ए पावर एम डिवाइडेड बाई बी पावर एम क्या हो जाएगा, ए बाई बी की पावर एम, ए पावर एम, ए पावर एम डिवाइडेड बाई बी पावर एम क्या हो जाएगा, ए बाई बी की पावर एम, 12 की पावर 3 और मैं ये कहता हूँ यहाँ पे 4 की पावर 3, तो या तो मैं 12 का क्यूब निकालूँ फिर 4 का क्यूब निकालूँ, या फिर क्या करूँ यहाँ पे 12/4 डायरेक्टली कर लूँ, 12/4 की पावर 3, तो 12/4 कितना होता है, 3 की पावर 3 हो गया, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27 हो गया। ए पावर एम अपॉन बी पावर एम क्या हो जाएगा, ए बाई बी की पावर एम, तो 12/4 की पावर 3, तो 12/4 की पावर 3, तो 4 से 3 बार काटा, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 4 और 5 एक बार रिवाइज करते हैं,
क्या हुआ, a पावर m इंटू बी पावर m, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ए बी की पावर m हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो उसको। आगे चल के शॉर्ट्स में यानी करनी में ये रूल्स इस्तेमाल होंगे, a पावर m अपन b पावर m, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो a बाई बी की पावर m। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रूल, a पावर m होल पावर n, ध्यान से समझिए, ब्रेकेट लगा रखी मैंने, तो a पावर m इंटू n हो जाएगा भाई, a पावर m होल पावर n क्या हो जाएगा, a पावर m इंटू n, a पावर m इंटू n। देखो दो की पावर दो की पावर तीन, दो की पावर दो गुना में तीन कितना होता है, छः, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। इसी रूल को आप ऐसे भी कर सकते हो, a पावर m होल पावर n होल पावर p, ऐसे ब्रेकेट लगता जाएगा, तो क्या करोगे, a पावर m n p, a पावर m n p, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हो। देखो मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि यहाँ एक वैल्यू लेते हैं, चलो एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अगर 8 की पावर 2 बटा 3 है, इसको कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करना है 8 की पावर 2 बटा 3, सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, 8 को लिख लो 2 की पावर 3। देखो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, आपको पावर्स याद करनी जरूरी है, मैं लिखवा देता हूँ कौन सी पावर याद करनी है आपको, आप इंजॉय करोगे कैलकुलेशन को अगर आप पावर याद कर लेते हो, तो 2 के 8 जो 8 के 2 की पावर 3 की पावर 2 बटा 3, 3 से 3 कट गया, बचा कौन, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 8 को लिखा 2 की पावर 3, पावर लगाया 2 बटा 3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एक और करके बताओ जरा, 16 की पावर 3 बटा 4, 16 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, 3 बटा 4, 16 को लिखा 2 की पावर 4 होल पावर 3 बटा 4, 4 से 4 कट गया, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। देखो एक बार आपको मैं बता देता हूँ, कुछ पावर्स आप याद कर लें जिससे आपको कैलकुलेशन में मदद मिलती है, बार बार देखो उस टाइम पे आपको डिवाइड करके नहीं देखना पड़ता। एक तो आप याद कर लें 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। अगर ये पावर्स याद हो गई तो आप जो है बहुत फ़ायदा होगा आपको, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है, ठीक है। ये 2 की पावर है, पावर की वैल्यू, वैल्यू की पावर, आपको जो है दोनों बातें ही क्लियर होनी चाहिए, दोनों ही तरीके से काम आता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, ये 2 की पावर है। फिर आपको याद करनी है 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5 तक, तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 3 2 9 3 27 4 81 5 243, 4 की पावर 1 4 2 16 3 64 4 256 5 1024। देखो 4 की पावर 1 4 2 16 3 64 4 256 5 1024, 5 की पावर 1 5 2 25 3 125 4 625 5 31 25, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 31 25। तो ये देखो 2 की पावर 1 से लेकर 10 तक, 2 की पावर 3 की पावर 1 से लेकर 5 तक, 4 की पावर 1 से लेकर 5 तक, 5 की पावर 1 से लेकर 5 तक, ये इतनी पावर आप याद कर लें। ये मैंने इतनी ही क्यों बताई है, आप मैक्सिमम जो नंबर देखोगे वो इन्हीं पावर्स के कॉम्बिनेशन मिलकर बनेंगे। तो जैसे आपको पावर्स याद हो जाएंगे ना, तो आप जैसे नंबर को देखोगे तो पावर के फॉर्म में दिखेगा। जैसे मैंने आपको 12 बोला तो 12 कैसे दिखेगा, 2 की पावर 2 3 की पावर 1, ऐसे ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। 24 को क्या दिखेगा आपको, 2 की पावर 3 3 की पावर 1, ठीक है। 36 कैसे दिखेगा, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, इस तरह से।
48 कैसे दिखेगा, 2 पावर 4, 3 पावर 1। ऑटोमेटिकली जो है, जैसे आप पावर याद करोगे, जैसे मैंने आपको टेबल्स याद करने के लिए बोला, जब पहाड़े आप याद करते हो तो जैसे कैलकुलेशन देखोगे तो कौन सा किससे कट रहा दिखने लग जाता है। जैसे आप पावर्स याद करोगे तो आप वैल्यू को देखोगे तो ज़्यादातर नंबर एक से ज़्यादा प्राइम नंबर के पावर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन आपको दिखने लग जाएंगे और सीधा सीधा आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो इसका बेनिफिट आपको कहाँ होता है, HCF LCM लेने में जल्दी से आपको इंडाइसेस की कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिट होता है। तो हम पहुँचे थे रूल नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे, 5-6 तक, ए पावर एम होल पावर एन, और मैंने दो एग्जांपल डिस्कस किए थे, 8 पावर 2 बाई 3, 16 पावर 3 बाई 4। आई होप सबको समझ आया होगा ये। देखो सर्च और कुछ नहीं है, इंडाइसेस के रूल्स ही लगेंगे वहाँ पे, बस थोड़ा सा आप उनको बेसिक कंसेप्ट उसमें सीखेंगे। चलो मैं एक बार पहले कुछ एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूँ आपको रूल्स के लिए। चलो बताओ 36 पावर 1 बाई 6, बताओ जल्दी से 36 पावर 1 बाई 6। कितना हुआ, 216, कितना 6। देखो 6 की पावर क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 बाई 6। 36 को लिखा 6 की पावर 2 की पावर 1 बाई 6, 2 से 3 बार तो 6 की पावर 1 बाई 3। 36 की पावर 1 बाई 6, 36 को लिखा 6 की पावर 2 की पावर 1 बाई 6, 2 से 3 बार कटा तो 1 बाई 3 हो गया, 6 पावर 1 बाई 3। और लिख देता हूँ एग्जांपल भाई, ऐसे दो रूल को मर्ज कर देते हैं, 8 बटा 125 की पावर 4 बटा 3। देखो ये जो रूल्स हैं ना, इंडिविजुअली सीखने ज़रूरी हैं, इनको फिर मिक्स करके सीखने ज़रूरी है। क्या लिखोगे, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, रूल हो ए बाई बी की पावर एम, क्या होता है ए की पावर एम और बी की पावर एम, 8 की पावर 4 बटा 3 और 125 की पावर 4 बटा 3। 8 को क्या लिखा था, 2 की पावर 3 की पावर 4 बटा 3। 125 को क्या लिखोगे, 15 पावर 3 की पावर 4 बाई 3। 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 2 की पावर 4 नीचे 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 5 की पावर 4 625, 2 की पावर 4 16, 5 की पावर 4 625, 16 बटे 625, ठीक है। नेक्स्ट और बताता हूँ क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लिखो, ऐसे दिया है 0.01024, डेसिमल्स वाले आते हैं ना सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, की पावर 1 बाई 5, 0.01024 पावर 1 बाई 5। बताओ जरा, 0.01024 को क्या लिख सकते हो, 1024 डिवाइडेड बाई 5 बार जो है 0 आएगा तो 10 की पावर 5 लिख दिया। अब ऊपर पावर 1 बाई 5 है ना, तो इसके ऊपर 1 बाई 5 लगेगा, इसके ऊपर भी 1 बाई 5 लगेगा। बताओ 1024 को क्या लिख सकते हो, अभी मैंने पावर्स लिखवाई थी, मैंने आपको बताया था काम आएंगे, 1024 को लिख सकते हो 4 की पावर 5 भी लिख सकते हो, 2 की पावर 10 भी लिख सकते हो, तो 4 की पावर 5 लिखूंगा मैं, इसके ऊपर है पावर 1 बाई 5। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, a बाई बी की पावर m, क्या होता है a की पावर m b की पावर m, और जो है यहाँ पे जब लगाया 1024 को 4 की पावर 5 और ये नीचे है 10 की पावर 5 के ऊपर भी 1 बाई 5 लग जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो ये 4 बटा 10 कितना हो गया, 0.4 हो गया, 0.4। नेक्स्ट मैं और थोड़ा सा जो है इसमें एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 243 की पावर 0.16 और 243, देखो अब डेसिमल्स वाले नंबर आने स्टार्ट हो गया, की पावर 0.04 है, 243 सिंप्लीफाई करना भाई, पूरा आंसर बताओ सिंप्लीफाइड, एम्प्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है,
बीच बीच में ब्राउजर को रिफ्रेश करते रहिए, कुछ लोगों को जो है वो पीछे चले जाते हैं, बीच में मुझे मैसेज आए थे फिर कि जो है हमारी स्क्रीन नहीं दिख रही है, कल कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ था इस बारे में। आप लोग ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे और वापस जो है उसको मतलब वहीं तक ले आएँ, कई बार क्लास पीछे चली जाती है आपको पता भी नहीं लगता इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। 243 होल पावर 0.16 इंटू 243 होल पावर 0.04, बेस सेम है तो 0.16 और 0.04 को ऐड कर दो, ऐसे 243 को लिखो 3 की पावर 5, 0.2 1/5 आंसर हो गया 3, 3 की पावर 5 तो ये 1/5 हो जाएगा, 3 हो गया। 256 0.16 256 0.09 256 0.16 256 0.09 बेस सेम है, 256 की पावर कितना हो गया 0.25, बता दो जल्दी से आंसर जिन लोगों को सोल हो गया, क्या करोगे 256 को क्या लिखोगे पावर बताओ जरा, 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, पीछे मैंने पावर्स लिखवाई हैं आपको, मैंने इसीलिए लिखवाई हैं ताकि आपको बार बार वहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जिनको पावर्स याद होती है कॉन्फिडेंस भी रहता है आपको और आपको जो है सुविधा, देखो 4 की पावर 4 256 होता है और 2 की पावर में भी था, 2 की पावर 8 कितना 256 होता है। आप ऐसे कंपेरेटिवली ऐसे याद करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, कैलकुलेशन बढ़िया रहेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। देखो या तो आप इसको पूरा सोल्व करके देखते या आपको डायरेक्ट याद है 4 की पावर 4 और ऊपर 0.25 को क्या लिखोगे 0.25, 25/100 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना हो जाएगा 4। अभी मैं जो छोटे छोटे पार्ट्स देखो क्या सिंप्लीफिकेशन मिक्स होकर आता है वी बोर्ड मास के साथ में, बेसिक कैलकुलेशन के साथ में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अल्जेब्रिक फॉर्मूला, परसेंटेज, फ्रैक्शन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मैं उसका एक पार्ट जिसे इंडाइसेज बोलते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स को प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन करके बता दो भाई, बहुत देर हो गई, जल्दी आंसर बताना सब लोग। 0.04 की पावर माइनस का 1.5, देखते हैं कितने लोग जल्दी जवाब देते हैं। 0.04 होल पावर माइनस का 1.5, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले लिखोगे इसको 4/100। देखो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 4 से गया 25 बार, एक रूल मैं पहले लिखवा देता हूँ कहाँ तक पहुँचे थे अपन, 6 नंबर तक पहुँचे थे आई थिंक, रूल नंबर था आपका 6 था ये, तो अभी जो है एक रूल पहले मैं बता देता हूँ छोटा सा सिंपल सा जो यहाँ पे यूज हो रहा है, अगले पेज पे बता देता हूँ। देखो रूल देख लो, रूल नंबर 7 भाई, यहाँ पे रूल्स इंपॉर्टेंट है। a पावर माइनस m, आप नीचे ले जाओ a पावर प्लस m हो जाएगा भाई, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ये 1/a पावर माइनस m है तो ऊपर आ जाओ प्लस हो जाएगा। देखो a पावर माइनस m जो है 1/a पावर प्लस m हो जाएगा, 1/a पावर माइनस m ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर माइनस 3 तो क्या करोगे, 1/2 पावर 3 तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे 0.04 को लिखा 4/100 यानी 1/25 की पावर माइनस का 1.5, अब देखो क्या करोगे, अगला स्टेप नेगेटिव पावर है तो ऊपर ले जाओ उसको, 1/25 है ना तो 25/1 कर लो उसको, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 25 की पावर 1.5 हो जाएगा। मैं ऊपर ले गया इसको, ऊपर है तो नीचे ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे है तो ऊपर ले जाओ, लेकिन पावर को माइनस से पॉजिटिव कन्वर्ट करके फिर सोल्व होगी वो। अब 25 को लिख दो 5 की पावर 2
की पावर 1.5, ए की पावर एम की पावर एन, 5 की पावर 2 गुना में 1.5 3 होता है, 125 आंसर हो जाएगा भाई। अगर आपको रूल क्लियर है, उसको अप्लाई करना आता है, तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो इसको। समझ आता है? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है माइनस के ए की पावर एम, अगर ये एम ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए की पावर एम सोल हो जाएगा। माइनस ए होल पावर एम, एम ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए की पावर एम, तो एम ओड है तो जो है ए की पावर एम को सोल्व कर लोगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, माइनस के 2 की पावर 7, तो माइनस के 2 की पावर 7 माइनस बाहर आ गया क्योंकि पावर ओड है। ओड मतलब विषम होता भी, 1, 3, 5, 7 मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस के 2 की पावर 7 माइनस बाहर आ गया, अब सोल्व किसको करोगे, 2 की पावर 7। तो बता दो जल्दी से 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। इसी रूल का जो है सेकेंड पार्ट, माइनस के ए की पावर एम, और इस बार एम जो है वो इवन है, सम है, सम का मतलब 2 से भाग जाने वाला, तो आपका प्लस हो जाएगा ये, और ए की पावर एम को सोल्व कर लो। अब माइनस ए की पावर होल पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के ए की पावर एम। देखो माइनस के 2 की पावर 8 है तो पॉजिटिव, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता भाई, और क्या होता है 256, 2 की पावर 8 के अलावा 4 की पावर 4, ठीक है। ये आप वैसे भी कर सकते हो, अंदर से जो है 8 में से 2 ले लिया इधर, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए की पावर 8 वाला रूल क्या, माइनस ए की पावर ओड है तो माइनस आएगा, इवन है तो आपका प्लस का आएगा। नेक्स्ट रूल, और क्या रह गया इसमें, हाँ एक रूल रह गया यहाँ कि जो है अगर हमने इवन ओड का कर लिया नेगेटिव, हाँ एक रूल लग गया ये वाला, ए पावर एम, इसके पावर एन है, इसके पावर पी है, ठीक है, और ये डिफरेंट होता है किससे, ए पावर एम पावर एन पावर पी, इससे, ये दोनों डिफरेंट बातें होती हैं, ई पावर एम पावर एन पावर पी, और ब्रेकेट लगा हुआ तो उससे डिफरेंट होता है। कैसे, देखो अगर मैं आपको ऐसे सिंपल लेता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 3, यहाँ पे लेता हूँ 2 की पावर 2 होल पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 होल पावर 3, तो यहाँ पे इसमें तो क्या होगा, ये ऊपर से सोल्व होगा ऐसे, तो ऊपर जो है सबसे पहले इसको सोल्व करो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, ठीक है, और इसमें कैसे सोल्व, 2 गुना में 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो दोनों अलग अलग बातें, क्या क्या हमने, ए पावर एम पावर एन पावर पी इज नॉट इक्वल टू ए पावर एम ब्रेकिट होल पावर एन ब्रेकिट होल पावर पी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 2 लेफ्ट साइड में, 2 की पावर 2 की पावर 3, तो यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2 ब्रेकिट पावर 3, तो ऊपर से सोल्व करोगे तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 2 की पावर 8 हो गया, फिर 2 की पावर 2 होल पावर 3, 2 गुना में 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये थे रूल्स आपके, हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहले किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, आपका 1 होता है। ए पावर एम इंटू ए पावर एन, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन जो है, बेस सेम है तो पावर जो है माइनस हो जाती हैं, ठीक है, डिवीजन में। उसके बाद ए पावर एम इंटू बी पावर एम, तो ए बी की पावर एम हो जाता है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, और इसी तरह से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली अगर बेस सेम है और जो है बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। देन आपका जो है आपका माइनस जो है अगर नेगेटिव है तो उसके पावर ओड है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, और इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाओ, अगर अंश में है तो हर में ले जाओ, हर में है तो अंश में ले जाओ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसको सोल्व करते हैं। एंड देन लास्ट में हमने जो है ये एक रूल और सीखा है। तो ये कुछ जो है मैंने आपको रूल्स बताए हैं। अभी मैं आपको जो है कुछ एग्जांपल्स कराना भी यहाँ शुरुआत करता हूँ, और जो है पहले कुछ एग्जांपल्स कराते हैं, फिर लास्ट में अपने एक टेस्ट जो है पीओडी टेस्ट रखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलो मैं सवाल लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, देखो
पहला जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन है 343 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 512 की पावर -2/3 बराबर है 56 गुना में क्वेश्चन मार्क। आपका बैंक में क्वेश्चन आता है इस तरीके से आता है, 343 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 512 होल पावर -2/3 और यह है 56 गुना में यह है क्वेश्चन मार्क। करो सोल्व जरा इसको। मैंने आपको पावर्स के बारे में बताया था, सबसे पहले क्या लिखोगे, 343 को 7 की पावर 3 लिख लोगे, की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 512 को क्या लिखोगे, 8 की पावर 3 की पावर -2/3 और यह है आपका 56 और क्वेश्चन मार्क की जगह लिख लिया x, हमें x निकालना है। ये 3 से 3 कट जाएगा, a की पावर m होल पावर n, 3 से 3 कट गया तो 7 की पावर 2, 3 से 3 कट गया तो इसके नीचे आ गया 8 की पावर -2 और ये हो गया 56 गुना में x। अब देखिए नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो 7 की पावर 2 और नीचे 8 की पावर -2 ऊपर चला गया, 7 की पावर 2 गुना में 8 की पावर 2, 56 गुना में 56। तो अगर मैं एक पावर इधर से काट दूँ, एक पावर इधर से, तो ये 56 कट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 56। इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। अब देखो आप इसमें इंडाइसिस के रूल्स इस्तेमाल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। 343 को लिखा 7 की पावर 3 होल पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 3 होल पावर -2/3 इक्वल 56 x। 3 से 3 कट गया, 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर -2, 8 की पावर -2 को ऊपर ले गया पॉजिटिव हो गया, 7 की पावर 2 गुना में 8 की पावर 2 बराबर 56 गुना में x, एक्स बराबर 56 हो गया। चलो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, 1.1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.331 इज इक्वल टू 1.1, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और फिर इसके डिवीजन में है, ये वाले के इस टर्म के डिवीजन में है, अगली टर्म वो है आपकी 1.21 का क्यूब। आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके बैंकिंग में आते हैं, 1.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.331 का डिवाइडेड बाय 1.331 इज इक्वल टू 1.1 का क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 1.21 का होल क्यूब। सोल्व कीजिए, आंसर बताइए। क्या करोगे, ये है 1.1 का होल स्क्वायर, ये 1.331 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 11 का क्यूब होता है भाई, तो वैसे इसको मैं लिखूँ तो 1.1 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको। देखो 11, इसको अगर डेसिमल को भूल जाऊँ मैं एक बार, तो 11 का क्यूब 1331 होता है और 3 बार गुना करने पे 1 डेसिमल 3 बार बन जाता है, तो ये 1.1 का क्यूब है। मैंने ये जो ये वाला जो है ना, ये वाला 1.331 इसकी जगह लिखा 1.1 का क्यूब क्योंकि डिवीजन में है। यहाँ पे जो 1.1 है इसकी पावर निकालनी है तो ये मैंने एक्स लिख दिया इसकी जगह, और इसके नीचे 1. डिवीजन में है 1.21 का क्यूब, तो क्यों ना इस 1.21 को मैं लिख लूँ 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर और उसके ऊपर लगा हुआ पावर 3, ठीक है। अब जो है होगा क्या, लेफ्ट साइड वाली वाली टर्म देखो, 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर, इधर ये 1.1 का स्क्वायर का क्यूब है तो ब्रेकेट लगे गुना हो जाएगा और ये जाके मैं एक बार सीधा ही लिख लेता हूँ उसको, 1.1 का क्यूब इसके नीचे है, देखिए कोई गड़बड़ नहीं हो इसके लिए, 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का क्यूब इसके नीचे है, उधर है 1.1 की पावर एक्स, 1.1 की पावर एक्स और इधर देखो ये 1.1 का स्क्वायर का क्यूब है तो 3 गुना में 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 1 की 1.1 की पावर 6 होगी।
अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से 1.1 का स्क्वायर 1.1 का, मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 1.1 का क्यूब, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, 1.1 का पावर एक्स, ठीक है। अब देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है ना, तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो ये 1.1 की पावर 8 हो जाएगी, और नीचे है आपका 1.1 की पावर जो है कितना था 3, इधर 1.1 की पावर x, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगी पावर, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, 1.1 की पावर 8 माइनस 3 यानी 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x की वैल्यू, तो बेस सेम है और नंबर बराबर है, तो पावर भी बराबर हो जाएंगे, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 1.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.1 का क्यूब इज इक्वल टू 1.1 क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर का क्यूब, इसको सोल्व किया हमने आगे, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई। देखिए सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं बैंक को, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, चलो मैं और सवाल लिखता हूँ आपके लिए, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास 10 पावर 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4.5, यहाँ डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई 10 पावर 2, 10 पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 10 की पावर 7.5, 10 की गुना में 10 की पावर 4.5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 बराबर 10 की पावर क्वेश्चन मार्क, क्या करोगे, सोल्व करो जिससे सोल्व हो रहा है, बाकी लोग देखते रहो। बेस सेम है ना, 10 की पावर 7.5 गुना में 10 की पावर 4.5, तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 7 और 4 11 और 1 12 हो गया, 10 की पावर 12 हो गया भाई, डिवीजन में है 10 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दिया एक्स। अब पावर माइनस हो जाएंगे डिवीजन में है, तो 10 की पावर 12 माइनस 10 की पावर 2 कितना हो गया 10 की पावर 10 और 10 की पावर x, तो इस हिसाब से x की वैल्यू, देखो बेस सेम है और नंबर बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन। अब ये धीरे धीरे वी बोर्ड मास में मिक्स हो जाएगा, अभी आगे चल के फिर परसेंटेज में मिक्स हो जाएगा, अगर आप इंडिविजुअली चीज़ों पे कमांड कर लेते हो तो फिर वो चीज़ें आसान रहेंगे। 3 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 7 27 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 11.25 प्लस 75% ऑफ 45। देखो 3 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 27 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11.25 प्लस 75% ऑफ 45। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है, वी बोर्ड मास सबसे पहले डिवीजन सोल्व होता है, तो 3 की पावर 3 और ये जाएगा 3 की पावर 7 नीचे चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से 27 को लिख दो, 3 की पावर 3 लिख दो ऊपर दो, और फिर 11.25 है, सोल्व करो भी साथ साथ में। सोल्व करो और प्लस में 75% ऑफ 45 है, 75% को क्या ले सकते हो आप जो है 3/4, वैसे ये देखना चाहिए कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है, इसके बजाय अपन 75/45 को पहले गुना कर ले, ज़्यादा बेहतर रहता। चलो देख ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे, तो 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 11.25 हो गया, 3/4 ऑफ 45, ठीक है।
तो 3 की पावर यहाँ पे 9 हो गया इस वाले स्टेप में। मैं आपको समझाने के लिए सारे स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में मदद हो कि कहाँ क्या रूल लगाए। देखो 3 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 6, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे, 3 की पावर 9 हो जाएगा। नीचे डिवाइडेड बाय 3 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय आपका 11.25 प्लस 3/4, इसको तो सोल्व कर ही लेते हैं हम। 45 को 3 से गुना करोगे 135 हो जाएगा, 135/4। ये बचा 3 की पावर 2, क्या बचा 3 की पावर 2 बच गया। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, इस 9 को गुना कर दो इससे, 9 से 45 18 और 4 22 और 11, 9 से आपका 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 101.25 हो जाएगा, 101.25। अब 101.25 में आप जो इसका 4 का भाग दो, इधर 4 का भाग दोगे 3 बार 12, और ये 15 है तो 4 से फिर 3 बार, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 12, फिर 7 बार और फिर 5 बार 33.75, तो 134-135 हो जाएगा आंसर, 135, ठीक है। देखिए आप किस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आपको करना है क्या है आगे, ये जो इंडाइसिस के रूल जो होते हैं मैं आपको क्वेश्चन जो है और बताऊंगा इससे रिलेटेड। अभी आज का शायद टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन और कर लें अपन, एक सेकेंड, ओह चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ फिर उसके बाद एक टेस्ट रखते हैं। देखो रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 79 का स्क्वायर प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 49 का स्क्वायर। देखो इसमें रूल लग रहा है, अच्छा सोल्व करो जरा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ बाकी लोगों को। ए इंटू बी, ए बी की पावर एम है ये, तो आपका रूट टू का स्क्वायर होगा और ये 79 का स्क्वायर भी होगा, ठीक है, यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर और ये 49 का स्क्वायर। अब देखो रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, यहाँ भी रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया। 79 का स्क्वायर याद करो, आपको अगर ट्रिक याद है तो आप सीधा सीधा लिखोगे यहाँ पे 21 का कितना, 21 कम है, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 21 का डबल 42, तो 42 आप माइनस करोगे उसमें से, तो ऐसे में कितना हो गया 58 और 4 6241 हो जाएगा, 6241। आप पहले देखो कॉमन लिए बिना भी कर सकते थे आप और कॉमन लेके भी कर सकते हैं, तो 6241 यहाँ पे हो गया है इसका। 49 का स्क्वायर सबको पता है 2401 हो जाएगा, 50 से एक कम है, एक का स्क्वायर 01, अब जो है इन दोनों को प्लस कर लो भाई। देखो 6 ऐसे प्लस करते हैं, 6 से 6 और 2 8000 हो गया, 2 4 4 8640, 8642। अब इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दो, 4 8 12 16 17 17284 हो जाएगा, 17284, ठीक है। देखो थोड़ा सा मतलब लिखने का स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा मतलब सही से नहीं लिखा जाता इसमें, बाकी मैंने स्टेप्स सारे लिखने की कोशिश की है यहाँ पे ताकि आपको ये समझ आए कि मैंने क्या लगाया। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए, कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कौन से सिचुएशन में अप्लाई हो रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर मैं वैसे सोल्व करूँ तो इन ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधा जो है मैं आपको सोल्व कर सकता हूँ, और ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर आपको स्टेप्स क्लियर हों तो।
देखिए दिमाग में ही कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो आज हम पांच ही क्वेश्चन कर पाए और इसके अलावा हमने जो है रूल्स डिस्कस करे। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है अभी तक आपको बता देता हूँ। अभी हमने इंडाइसिस के रूल्स डिस्कस किए हैं आज, ठीक है। अभी देखो खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने पांच ही क्वेश्चन कराए, मैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हमने डिसाइड किया था मोर देन 50 क्वेश्चन तो अपन सोल्व करें। तो अभी हमने रूल्स डिस्कस किए हैं इसके, और इसको जो है मिक्स करना बाकी जो टॉपिक्स के साथ में, कैसे वी बोर्ड मास के साथ में, आपका जो है जो आपका परसेंटेज है उसके साथ में, फ्रैक्शंस के साथ में, मिक्स फ्रैक्शन के साथ में, अलजेब्रिक फॉर्मूला के साथ में, इन सब के साथ मिक्स करके फिर इसको अपन को सोल्व करना है। लेकिन अभी मेन फोकस किसका रहेगा? इंडाइसिस की कैलकुलेशन, घातांक की कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो चलो अब पीओडी टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। मैं अब आपका टेस्ट लगा देता हूँ। चलो आज मैं थोड़े सिंपल क्वेश्चन ही रखूँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं। तो पहला क्वेश्चन, और केवल पांच क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, टाइम कम रहेगा भाई। जो लिखा है लिखने का टाइम इंक्लूड करके आपका जो है टोटल मिला के 3 मिनट रहेंगे, 4/7 क्वेश्चन मार्क का, 4/7 नीचे है 75 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क का 10/7, क्वेश्चन मार्क का 4/7 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू 3 बाय क्वेश्चन मार्क का 10/7। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना। आज मैं पांच ही क्वेश्चन लिखूंगा टोटल। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, दूसरा क्वेश्चन 6^4 डिवाइडेड बाय 36^3 मल्टीप्लाइड बाय 216 बराबर 6^ क्वेश्चन मार्क माइनस में 2। सिंप्लीफिकेशन का जो फॉर्मेट आता है उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके। मैं क्या लिखा मैंने, 6^4 डिवाइडेड बाय 36^3, ध्यान रहे वी बोर्ड मास का इस्तेमाल करें, गुना में 216 बराबर 6^ क्वेश्चन मार्क माइनस में 2। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क था इधर, इसमें ये क्वेश्चन मार्क, ये दो क्वेश्चन होगा, सबने नोट कर लिए। तीसरा क्वेश्चन है 0.04^2 डिवाइडेड बाय, ध्यान से सोल्व करें, डेसिमल वाला क्वेश्चन है, 0.008 0.2^6 देखो 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 0.2^6 इज इक्वल टू 0.2 क्वेश्चन मार्क। 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 0.2^6 इज इक्वल टू 0.2 क्वेश्चन मार्क। ये था तीन नंबर। चार नंबर क्वेश्चन, √8^6 64^3 डिवाइडेड बाय 8^4 इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन मार्क। देखो क्या है, √8^6 मल्टीप्लाइड बाय 64^3 डिवाइडेड बाय 8^4 इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन मार्क। ये हुए चार क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, चलो एक सिंपल क्वेश्चन लिख देते हैं। चलो बिल्कुल ही क्वेश्चन सिंपल लिख रहा हूँ, 3328 डिवाइडेड बाय √ (?) इज इक्वल टू 56। चलो भाई पांच क्वेश्चन है, टाइम होने वाला है 1 मिनट का टाइम हो रहा है, बस ओनली 1 मिनट, उसके बाद मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे।
फाइव क्वेश्चन ऑलरेडी जो है 3 मिनट होने वाले हैं, फिर भी मैंने थोड़ा टाइम एक्सटेंड किया। आपके सामने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने नहीं लिखा हो पहले, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। 30 सेकंड में आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके। चलिए लिखते हैं। पहला, पहले का आंसर देख लेते हैं क्या है। पहले का आंसर है 15। मैं कलर यहाँ पे चेंज करूँगा इसके लिए। पहले का आंसर है 15। ये रेड पेन से जो है आंसर लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट का 15, सेकंड है आपका, उसका आंसर 3। सेकंड का 3, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड का आंसर है 7। फोर्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका 5। और जो है पांचवा क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका 2197। चलो बता दो स्कोर अपना, 5 में से 5 कितने हैं। देखिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब पार्टिसिपेट करें कितने मार्क्स आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज टोटल जो आप 10 क्वेश्चन ने प्रैक्टिस कर पाए, इसके साथ में रूल्स हम डिस्कस कर पाए। कल हम ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि रूल्स हमने डिस्कस कर लिए तो कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें हम मिक्स करेंगे वी बोर्ड मार्क्स, साथ में आपका जो है इंडेसिस के क्वेश्चन। इवनिंग की क्लास में मैंने परसेंटेज की कैलकुलेशन करवाई है, तो उसको आप देख लें। तो कल की क्लास में परसेंटेज भी मिक्स करूंगा साथ में, परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन प्लस इंडेसिस के क्वेश्चन प्लस में वी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन प्लस में फ्रैक्शंस के क्वेश्चन। तो ये अपन प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट जो है क्लास में, ठीक है। आप लोग जो है इवनिंग क्लास में, आज जो हम डीआई का जो है तीसरा पार्ट, जो कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन का तीसरा पार्ट, जहाँ पे अब फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो है आसानी से हम ये कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और मैं एक बार फिर से रिमाइंडर डालूंगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सएप नंबर 7023402758, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस एंड बेल आइकन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।